हाय हाय हाय। सो गाइज, यहाँ पर मैंने न्यूड का हेयर रिमूवल फोम स्प्रे मंगाया। क्या ये बाकी के हेयर रिमूवल से अलग है? क्या है इसके इफेक्ट? क्या कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इसके यूज़ से? इसको किस तरह से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कितनी देर तक यूज़ करना है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल होता है सभी का, वो ये है कि क्या हम इसको इंटीमेट एरिया पर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो रुको, ज़रा सब्र करो, सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं बुलबुल। अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि आप अपने बॉडी के हेयर्स को किस तरह से रिमूव करते हैं, तो आपका जवाब होगा रेजर या फिर वैक्सिंग या फिर तो होगा हेयर रिमूवल क्रीम। सो हर कोई अपनी बॉडी के हिसाब से जो है अपना अलग अलग मेथड चूज़ करते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट आपको क्या लगता है बॉडी के हेयर्स को रिमूव करने के लिए, तो आप जवाब देंगे रेज़र। अगर मेरी पूछो तो मैंने रेज़र यूज़ करना बंद कर दिया है, क्योंकि इसका भी जवाब है, इसके यूज से जो है आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा थिक आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी हेयर्स ग्रोथ होती है। ठीक है, अप्रोक्स 3 से 4 दिन में जो है हेयर्स आपके आना शुरू हो जाते हैं, और आपकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है, और कट लगने के डर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। और रेज़र के यूज़ से जो है ना आपके हेयर सीधे सीधे नहीं आते हैं, उससे क्या है ना वर्म्स हो जाते हैं। और चलो ठीक है, अगर हम लोगों को ऐसा ही लगता है तो हम ये भी सह लेंगे। अपनी हर लड़की को सुंदर दिखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं आप लोगों को एक अल्टरनेटिव सुझाव दूं, तो क्या आप मेरी मानोगे? सो गाइज, ये है न्यूट का हेयर रिमूवल फॉर्मिंग स्प्रे। सो मार्केट में आजकल हेयर रिमूवल फॉर्मिंग स्प्रे बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप में से कई सारे लोगों ने देखा भी होगा। इसका रीज़न यही है कि ये कन्वीनियंट है। एक बार के स्प्रे से आप जो है पूरा एरिया कवर कर सकते हैं, जो कि रेज़र और जो हेयर रिमूवल क्रीम से पॉसिबल नहीं है। और इसमें कई तरह की हेयर रिमूवल क्रीम में जो स्मेल आती है, इसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई हार्श स्मेल नहीं आती है। तो अब अपने अनवांटेड हेयर को करो गुड बाय और यूज़ करो न्यूट का हेयर रिमूवल फॉर्म स्प्रे। तो इसके यूज़ से जो है ना ही स्किन बर्न होती है, ना ही इसमें कोई हार्श स्मेल आती है। तो मैं भी कुछ ऐसा ही ढूंढ रही थी कि मेरे अनवांटेड हेयर भी रिमूव हो जाए, साथ ही साथ में स्किन बर्न भी ना हो, हार्श स्मेल भी ना आए। सो गाइस, इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। जस्ट आपको स्प्रे करना है, 10 मिनट्स तक के लिए छोड़ देना है, और 10 मिनट होने के बाद इसको वाइप ऑफ कर लेना है या फिर धो लेना है। सो गाइस, फॉर्मिंग स्प्रे की वजह से जो है मुझे इस प्रोडक्ट की एक बात पसंद आई है कि एक बार स्प्रे करने से ही सारा एरिया कवर हो जाता है। सो गाइस, इसके जो इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा स्वीट आलमंड ऑयल, जो कि हेल्प करता है स्किन को मॉइस्चराइज करने में और सॉफ्ट बनाने में। सो वी रेडी विथ मी इन 10 मिनट्स विथ न्यूड हेयर रिमूवल फॉर्म स्प्रे एनी टाइम एनी वेयर। गाइज, यू विल हैव अ फन एक्सपीरियंस वाइल यूजिंग दिस। लास्ट मिनट के लिए न्यूड है ना। सो गाइज, ये प्रोडक्ट मेन वुमेन दोनों ही यूज कर सकते हैं। इसको हम लेग, नेक, चेस्ट, बैक कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे हमें इंटीमेट एरिया पर यूज़ नहीं करना है। सो ध्यान रहे। और इसको परचेज करने के लिए आप न्यूड की वेबसाइट www.evertine/nude.com से परचेज कर सकते हैं, और ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड मीसो पर भी अवेलेबल है। सो बाय गाइस।